सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट्स और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें मैं बहुत ही कमाल का एक स्किन टेक्सचर के बारे में वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ स्किन को स्मूथ ही किए जा रहे थे और बाकी सारे एडिटर भी आपको सिर्फ स्किन को स्मूथ करने का तरीका बता रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कभी स्किन को टेक्सचर देने का कोशिश कभी भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्किन का जो टेक्सचर होता है वो सिर्फ फोटोशॉप में ही आ सकता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको स्किन के ओरिजिनल टेक्सचर के बारे में बताऊंगा, जो आप बहुत ही इजीली वे में दे पाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पिक्सट एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हमें स्किन को सबसे पहले स्मूथ करना है, तो स्किन को स्मूथ करने के ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं आता तो आपको सिंपली जाना होगा इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको ब्लर लेना है, और यहाँ पर फेस को हमें ब्लर करना है। या तो आप स्मार्ट ब्लर यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल ब्लर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्मार्ट ब्लर यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर इसका जो अमाउंट है इसको चेंज कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखना है वो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक यूज़ करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा हाई डेफिनेशन में किस तरह से आप स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, ओके, और किस तरह से बियर्ड वगैरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्किन को स्मूथ कर दिया है, ओके, क्योंकि मेरा स्किन पहले से मैंने इसमें स्मूथ कर रखा था, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इस पर टेक्सचर देते हैं, तो ऐड फोटो में जाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, ये सारा जो फ़ोटोज़ है ये फ़ोटोशॉप में एडिट की हुई है। अब हमें क्या करना है, इसके टेक्सचर को अपने स्किन के ऊपर टेक्सचर ऐड करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस फेस का आपका पोजिशन है उस तरह की एक फ़ोटो ले लीजिए, इसके बाद इसकी ओपेसिटी को डाउन कर लीजिए, ओके। अब यहाँ पर सारे फेस को तो एक बार में एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर मैं नोज़ को पहले एडजस्ट करता हूँ। तो जो लड़की है उसका नोज़ और मेरा नोज़ दोनों को हम लोग सिमिलर वे में एडजस्ट करेंगे सिर्फ सिंपली। इसके बाद आपको ओपेसिटी फुल करनी है, इरेजर में जाना है, स्विच कर देना है, इसके बाद जूम करना है। यहाँ पर आपको हार्डनेस कम रखना है और थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी देखिए उसका जो स्किन का जो टेक्स्चर है अब मेरे फेस पर और नोज पर अच्छे से ऐड हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ऐड कर लिया और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट्स को यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ सिंपली, ओके। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि ये जो स्किन का कलर है मेरे स्किन के कलर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हमें अपने स्किन का जो कलर है इसे भी अपने फ़ोटो के हिसाब से मैच करना होगा। तो इसके लिए आपको एडजस्टमेंट में जाना होगा। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सैचुरेशन को पहले डाउन करना होगा बिल्कुल ज़रा सा, और देखिए फेस का जो कलर है ये हमारा थोड़ा रेडिश है, तो ये हमें क्या करना हो, रेड कलर के पास थोड़ा सा जाना होगा। फेस का जो कलर होता है वो तीन कलर में होता है, या तो वो वाइट होगा, या तो वो येलो होगा, या फिर रेड होगा, ये तीन कलर में होता है। अब आपको क्या करना है, उसी फ़ोटो को एक बार डुप्लीकेट करना है, इरेजर में जाना है, स्विच करेंगे तो वो ओरिजिनल फ़ोटो फिर से आ जाएगी। अब इसको पेंट कर लेना है ताकि वो पहले जैसी थी बिल्कुल वैसे ही हो जाए। इसके बाद फिर से आपको ओपेसिटी डाउन करनी है। अब आपको चीक यानी कि गाल का जो एरिया है आपको उसको सेलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं गाल वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको, ओपेसिटी फुल करना है, इरेजर में जाना है, स्विच करना है, और इसके बाद फिर से सेम तरीके से हमें पेंट कर लेना है। इस बार यहाँ पर मैं जो है ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, करीब 80% के पास में, और इस तरह से देखिए मैंने चिक के पास अच्छे से इसको पेंट कर लिया। अब आपको यहाँ पर हार्डनेस को फुल करके और साइज़ को थोड़ा कम करके जो हमारा बियर्ड है उसके पास से बिल्कुल हल्के हल्के तरीके से इसको इरेज कर लेना है, ताकि ये पूरा रियल और ओरिजिनल टोन यहाँ पर दिख के आए। इसके बाद आपको इरेजर में जाना होगा और साइज़ को बड़ा करना है और हार्डनेस को कम करके बिल्कुल ऊपर से हल्के हल्के हिस्से में इसको इरेज कर लेना है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर फेड वाली फीलिंग आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा टोन आ चुका है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है बिल्कुल ओरिजिनल वाले की जैसे, राइट। अब यहाँ पर मैंने नोज़ को कर लिया है, चिक कर लिया है, इसके बाद फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे एक बार, ओके। तो यह रहा आई थिंक इसको किस तरह से करें हम लोग, एक बार और डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर इरेजर में,
स्विच करेंगे और फिर से ओरिजिनल फ़ोटो जैसी थी वैसे ही कर लेते हैं एक बार। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि फोरहेड यानी कि जो हमारा सर का हिस्सा है आईब्रोज़ के ऊपर वाले हिस्से को इस बार यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी फिर से फुल करेंगे, इरेजर में जाएंगे, स्विच करेंगे, इसके बाद आपको हार्डनेस कम और यहाँ पर अच्छे से इसको पेंट कर लेना है। यहाँ पर साइज़ मैंने बड़ा नहीं किया क्योंकि ये बाहर जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसी तरह से इस छोटे मतलब ब्रश का जो साइज़ है उसको कम करके ही यहाँ पर पेंट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इरेजर में जाना है, इरेजर से अच्छे से इसको पेंट कर लेना है और अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा टोन आ चुका है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है और इस बार ओपेसिटी थोड़ी डाउन करके ऊपर से जो आईब्रोज़ का हिस्सा है वहाँ से थोड़ा सा इरेज करेंगे और बिल्कुल साइड साइड से छोटा छोटा हिस्सा जो है उसको हमें इरेज कर लेना है। इस बार हमें ओपेसिटी को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारा स्किन जो है काफ़ी फेक सा लुक आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर टेक्सचर ऐड किया है। अब एक फाइनल टच करने के लिए आपको एडजस्टमेंट में जाना होगा सिंपली, इसके बाद इसकी सैचुरेशन लेवल को बिल्कुल हल्के से इसको कम कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल असली और रियल टोन और साथ ही साथ एक अच्छा सा स्किन का टेक्सचर जो हम लोग फोटोशॉप में देते हैं बिल्कुल हमारे फ़ोन में आप दे सकते हैं अपने फ़ोटो के साथ, ओके। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि शेयर करोगे तभी कुछ सीखोगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।